रिजल्टेंट आप कपल कैसे निकालेंगे। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के पेपर में आता है कि कोई पुली है तो उस पुली पर स्टेप पुली क्या होता है, बेसिकली एक पुली के ऊपर एक दूसरी पुली लगी होती है। जैसे कि आप लोग गए होंगे वर्कशॉप में तो आप लोगों ने लेथ मशीन देखा होगा, लेथ मशीन में 3 जेड चक वाली और 4 जेड चक वाली आती है, तो उसमें स्टेप पुली लगी होती है जहां पर जॉब को कसा जाता है। तो वो कुछ अगर मैं उसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो उसका फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ऐसा होता है ये हमारा। अगर हम इसको साइड से देखें तो ये कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा। तो हमारा इन्हीं पर बेस्ड एक बड़ा लॉजिकली और अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है कि ये मान लीजिए कि ये कोई पुली है, इस पुली के सबसे बड़ी पुली पर एक 50 न्यूटन का कपल लगा है, दूसरी पुली पर 30 न्यूटन का एक कपल लगा है, हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन दोनों कपल को बैलेंस करने के लिए इस सबसे छोटी पुली पर कितना कपल लगाया जाए, किस मैग्नीट्यूड का कपल लगाया जाए कि बैलेंस हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि इस पर पी मैग्नीट्यूड का कपल लगा रहा है, पी मैग्नीट्यूड का कपल लगा रहा है, हमारी ए पुली है, ये बी पुली है, ये सी पुली है। अब हम चलेंगे इन सब का मोमेंट निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं ए बी है, ये हमारा C और ये D है, ये E और हमारा F है। हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बी जो है, यहाँ आपको हो सकता है फिगर में भी दे दे, तो ये हमने मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर है, ये हमारा जो है बेटा 12 सेंटीमीटर है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। यानी हमारा ए बी जो है हमारा है 20 सेंटीमीटर, सी डी जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर है और ई एफ जो है हमारा वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप सबका मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ 50 न्यूटन तो हो जाएगा 50 इंटू ए बी यानी 20, ये हो जाएगा 1000 न्यूटन सेंटीमीटर। दूसरा अगर हम निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ 30 न्यूटन तो हो जाएगा 30 × 12 इज इक्वल्स हो जाएगा 36 न्यूटन सेंटीमीटर। अब हम ले लेंगे मोमेंट ऑफ पी इज इक्वल्स हमारा कितना हो जाएगा पी क्रॉस 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग इन तीनों मोमेंट की क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेक करेंगे, इसका मोमेंट का डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और हमने अपने मन से मान लिया है कि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। अब देखते हैं कि हम सही हैं कि गलत है पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मोमेंट का नेट मोमेंट निकालेंगे, यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड करते हैं। तो हम सेकेंड करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा कैसे घुमा रहा था क्लॉकवाइज और ये हमारा कैसे घुमा रहा था एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है फिक्स हो चुका है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा कौन है 360 है और ये है 1000। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज जो बड़ा है एंटी क्लॉकवाइज छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा वो कितना आएगा, तो नेट रिजल्टेंट मोमेंट इज इक्वल्स हो जाएगा बेटा इस 1000 में से 360 को माइनस करेंगे तो 640 आ जाएगा, 640 न्यूटन सेंटीमीटर। और दिशा कैसे आएगी क्लॉकवाइज, यानी अब हमें जो मोमेंट लगाना है सी पर वो इसी को बैलेंस करने के लिए लगाना है। तो अब हमें सबसे पहले तो दिशा के बारे में सोचना है, मैग्नीट्यूड तो ऑटोमेटिक निकल आएगा, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमें इस पर मोमेंट कैसे लगाना चाहिए था, एंटी क्लॉकवाइज लगाना चाहिए था। यानी अब हम यहाँ से पता चल चुका है कि हम फिगर ये गलत बनाए हैं, तो हम इसको पहले करेक्शन करेंगे। कैसे करेक्शन करेंगे कि हम इसको लगाना चाहिए था हमें ऊपर की तरफ P और इसको लगाना चाहिए था हमें नीचे की तरफ P, समझ में आ गया। हम इसको मिटाएंगे नहीं ताकि हम समझ सके, हम हल्का हल्का इसको कर देते हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ द पुली, फॉर बैलेंसिंग ऑफ पुली इज इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा हमारा पी क्रॉस ई एफ
विच इक्वल्स 640 न्यूटन। तो पी हमको पता नहीं है, ईएफ हमको पता है 10, 640 न्यूटन, यानी पी इज इक्वल्स हो जाएगा 640 अपॉन में 10, 64 न्यूटन। यानी अब समझ में आ गया कि इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है तो हमें पुली सी पर 64 न्यूटन का न्यूटन सेंटी न्यूटन का एक हमें फोर्स ऑफ कपल लगाना है।